शराब घोटाला मामले में कम नहीं हो रही केजरीवाल की मुश्किलें। विपक्ष ने शिवर जाने की तैयारी के बीच केजरीवाल के लिए समन। ईडी के समन के सामने केजरीवाल की एक नहीं चल रही। बीजेपी ने मौका मिलते ही केजरीवाल पर जबरदस्त चुटकी ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में दावा किया था कि वो विपश्यना शिविर में जाकर कामकाज से दूर रहेंगे और पूरे 10 दिन वहां गुजारेंगे। यहां वो जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इसी बीच में उनके और उनकी पार्टी के किए कारनामे ही उनके और विपश्यना शिविर के बीच रोड़ा बन गए, क्योंकि ईडी ने फिर एक बार केजरीवाल को समन पकड़ा दिया। शराब घोटाला मामले वाला समन। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से नोटिस दिया है। ईडी ने उन्हें नोटिस भेजकर 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले बीते 2 नवंबर को ईडी ने शराब घोटाला मामले में समन जारी कर उन्हें बुलाया था, लेकिन उस वक्त विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन अब फिर एक बार दिल्ली के शराब घोटाला मामले की जाँच कर रही ईडी ने केजरीवाल को निशाने पर लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समन जारी किया गया है। ईडी ने इस मामले को लेकर दाखिल किए गए आरोप पत्रों में कई बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। सीबीआई ने इसी साल 16 अप्रैल को इसी मामले में अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। हालांकि उस वक्त आप कार्यकर्ताओं ने खूब गदर काटा था, और अब जब ईडी ने केजरीवाल को विपश्यना शिविर जाने से पहले ही ईडी के सामने 21 दिसंबर को पेश होने का नोटिस दे दिया है, तो इस पर भी बवाल होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी को भी इस बहाने मानो केजरीवाल पर चुटकी लेने का मौका मिल गया है। दिल्ली बीजेपी के सचिव हरीश खुराना ने इस बारे में कहा, कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। केजरीवाल को जाना चाहिए, उन्हें डर किस बात का है। आगे फिर हरीश खुराना ने यह भी कहा, मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने आपको समन भेजा है, आपको जाना चाहिए, आपको डर किस बात का है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अगर गलत किया है जो दस्तावेज कहते हैं, तो उस पर आपका डर लाजमी है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को इस बार जाना चाहिए और ईडी जो सवाल पूछे उसका जवाब देना चाहिए। वहीं अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी तो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ही दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा था। स्मृति ईरानी ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से भरी सभा में कहा था, मैं जानती हूं मनोज भैया कि केजरीवाल से आपकी कोई अपेक्षा नहीं है। जो आधी कैबिनेट जेल भेज चुका हो, वो खुद कब तक जेल के बाहर रहेगा, इसकी गारंटी दिल्ली की जनता के सामने नहीं है। सुनिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। अविश्वास का अंधकार है, कुशासन का अंधकार है, और अपनी किस्मत चमकाने के लिए ऐसे परिवारों ने अपना प्रदेश छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, अपनी माटी छोड़ी। आज आप सबको बतलाना चाहती हूँ कि एक सांसद, एक जिला अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके सम्मुख इस विश्वास के साथ बैठा है कि हम सब अपने योगदान से कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा बूथ विकास से अछूता ना छोड़े। लोग अपनी किस्मत को तलाशने के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर ना हो, विकसित भारत के संकल्प के साथ हम अपने आप को जनता को समर्पित करें, ये संकल्प लेने का आज ये मंच है। मैं जानती हूं मनोज भैया, आपकी और जिला अध्यक्ष जी की केजरीवाल सरकार से कोई अपेक्षा नहीं, और ये अपेक्षा ना होना भी दुरुस्त है। जो आधी कैबिनेट जेल भेज चुका है, वो खुद कब तक जेल के बाहर रहेगा, इसकी गारंटी दिल्ली की जनता के सामने नहीं है। कुल मिलाकर इस बार तो केजरीवाल के लिए बचकर निकल जाने का मौका नहीं है। केजरीवाल को ईडी का सामना करना ही है। ईडी के मन में घोटाले को लेकर कुछ सवाल हैं जो वो अरविंद केजरीवाल से करना चाहती है, लेकिन केजरीवाल है कि ईडी को कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, जबकि शराब घोटाला मामला कोई छोटा घोटाला नहीं है। चलिए जानते हैं क्या थी शराब नीति। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई थी।
नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि जब केजरीवाल सरकार ने देखा कि इस नई नीति की शुरुआत ही विवादों से हो रही है, तो फिर नई नीति को 28 जुलाई 2022 को केजरीवाल सरकार ने रद्द कर दिया था और फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी थी। लेकिन अब इसी मामले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मनीष सिसोदिया इस मामले में पहले ही तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, वहीं अब ईडी का समन आम आदमी पार्टी के मुखिया तक भी पहुंच गया है। ऐसे में अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ईडी ने केजरीवाल को क्यों बुलाया है, तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं केजरीवाल को ईडी ने क्यों भेजा समन। सीएम केजरीवाल को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समन जारी किया है। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया है कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बुच्ची बाबू और आरोपी अरुण पिल्ले ने खुलासा ये भी किया कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। आरोपी विजय नायर ने तो वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंदू के बीच बात भी करवाई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। ये पूरी खिचड़ी है विपश्यना के लिए निकलते समय ईडी का समन पेश करने की वजह। ईडी ने 21 दिसंबर को केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पर केजरीवाल का क्या रिएक्शन सामने आता है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राज के नीचे अविश्वास का अंधकार है, कुशासन का अंधकार है और अपनी किस्मत चमकाने के लिए ऐसे परिवारों ने अपना प्रदेश छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, अपनी माटी छोड़ी। आज आप सबको बतलाना चाहती हूँ कि एक सांसद, एक जिला अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके सम्मुख इस विश्वास के साथ बैठा है कि हम सब अपने योगदान से कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा बूथ विकास से अछूता ना छोड़े। लोग अपनी किस्मत को तलाशने के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर न हो, विकसित भारत के संकल्प के साथ हम अपने आप को जनता को समर्पित करें, ये संकल्प लेने का आज ये मंच है। मैं जानती हूँ मनोज भैया, आपकी और जिला अध्यक्ष जी की केजरीवाल सरकार से कोई अपेक्षा नहीं, और ये अपेक्षा ना होना भी दुरुस्त है। जो आधी कैबिनेट जेल भेज चुका है, वो खुद कब तक जेल के बाहर रहेगा, इसकी गारंटी दिल्ली की जनता के सामने नहीं है।